बारां छिपा बड़ौद बाल मेले में विद्यालय के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाने के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। विद्यालय के प्रिंसिपल गिरिराज बंसल व मुख्य व्यवस्थापक मुकेश ढोडरिया ने बताया कि विद्यालय द्वारा शाम 6 बजे से 9 बजे तक स्कूल के प्रांगण में सजावट कर बाल मेला लगाया गया। इस बाल मेले में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेचने के स्टॉल लगाए गए हैं, जिन्हें देख कर लोग प्रभावित भी हुए। मेले का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री भगवत किशोर नामदेव व राजस्थान प्राइवेट स्कूल प्रदेश प्रभारी महेंद्र मीणा द्वारा फीता काट कर व दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात सपरिवार पधारे हुए गणमान्य लोगों व बच्चों ने खाने की चीजों का लुत्फ उठाया। मेले में 50 से ज्यादा विभिन्न खाने के व्यंजनों की स्टॉल्स व 10 से ज्यादा खेलों की दुकानें बच्चों द्वारा लगाई गई। विद्यालय के प्रिंसिपल गिरिराज बंसल व मुख्य व्यवस्थापक मुकेश डोडरिया ने बताया कि विद्यालय प्रतिवर्ष समय समय पर इस तरह की सहशिक्षित गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ साथ मानसिक शारीरिक विकास होता है एवं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में विद्यालय के बच्चों ने खान पान की वस्तुओं की स्टॉल लगाने के साथ साथ गेम्स आदि के भी स्टॉल्स लगाए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। आज हमारे विद्यालय के द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया है। विद्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न शिक्षा के अलावा अतिरिक्त गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है, जिससे बच्चों का शिक्षा के अलावा शारीरिक मानसिक और व्यावसायिक विकास होता है और बाल मेले के माध्यम से बच्चों को कई प्रकार की चीज़ों की जानकारी मिलती है। जिस तरह से बड़े व्यक्ति को दुनियादारी की नॉलेज होना जरूरी है, उसी प्रकार से बच्चों को भी दुनियादारी की एक नॉलेज मिलती है। और मेले में बच्चों के द्वारा उत्साह से भाग लिया गया, इससे पता चलता है कि वो कितने अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।